हेलो दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया बैंक वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक, अगर इन दोनों बैंकों में से कोई भी एक बैंक में घर बैठे सेविंग अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं कि इन दोनों बैंकों में से बेस्ट बैंक कौन सा है, दोनों बैंकों में आपको क्या क्या सर्विसेज मिलता है, क्या क्या बेनिफिट मिलता है। दोस्तों सबसे पहले ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग के बारे में बात करते हैं तो बैंक ऑफ इंडिया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक दोनों में आपको ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन करने का फैसिलिटी मिल जाता है। घर बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन अपना खाता खोल सकते हैं, साथ ही साथ आपको वीडियो केवाईसी का भी फैसिलिटी मिलता है। बैंक ऑफ इंडिया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक दोनों ही गवर्नमेंट बैंक है और सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों में आपको जीरो बैलेंस अकाउंट का फैसिलिटी मिल जाता है। अगर आप बैंक ऑफ इंडिया बैंक को चूज़ करते हैं ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी पैसे मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अकाउंट में पैसे नहीं रखेंगे तो भी आपसे कोई भी नॉन मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लिया जाएगा बैंक ऑफ इंडिया बैंक में। वहीं पे बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक का एक अलग सा वेबसाइट है BOB वर्ल्ड करके, जिसमें आपको 3 टाइप का सेविंग अकाउंट मिलता है, जिसमें अगर आप B3 सिल्वर अकाउंट को चूज करते हैं तो इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी पैसा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, फुल्ली ये जीरो बैलेंस में ऑपरेट होता है। लेकिन अगर आप कोई और अकाउंट को चूज़ करते हैं जैसे कि प्लेटिनम गोल्ड, तो उसमें आप देख सकते हैं कितना पैसा आपको इसमें रखना होगा। तो अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो भी जीरो बैलेंस, तो B3 सिल्वर अकाउंट को ही चूज़ करिएगा। इसके लिए आपको BOB वर्ल्ड का वेबसाइट या फिर BOB वर्ल्ड का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक का ऑफिशियल ऐप है। दोनों बैंकों की इंटरेस्ट रेट ब्याज दर की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया बैंक का जो ब्याज है वो आपको सालाना बेसिस पे मिलता है 2.75% के बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। क्वार्टरली मतलब हर 3-3 मंथ पे जो भी आपका ब्याज बनता है, आप जितना भी बैलेंस रखते हैं अपने अकाउंट में उसके बेसिस पे कैलकुलेट होकर 3 मंथ पे क्रेडिट कर दिया जाता है। वहीं पे बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक का इंटरेस्ट रेट ब्याज दर की बात करें तो इसमें भी सेम है, 2.75% के अनुसार ही आपको ब्याज दिया जाता है सालाना बेसिस पे, और इसमें भी आपको क्वार्टरली बेसिस पे आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। अगर दोनों बैंकों की डेबिट कार्ड के बारे में बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया बैंक में आपको रुपए का क्लासिक डेबिट कार्ड और रुपए का प्लेटिनम डेबिट कार्ड दिया जाता है, जो कि जिस समय आप अकाउंट ओपन करेंगे उसी समय सारा डिटेल्स आपको फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया बैंक प्लेटिनम डेबिट कार्ड ही दे रही है जिसका चार्जेस होता है 295 रुपये इंक्लूडिंग GST, अलग से आपको कोई भी चार्ज आपको देना नहीं होगा। अगर आप बैंक ऑफ इंडिया बैंक में ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो डेबिट कार्ड का इश्यूएंस चार्जेस आपसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा, डायरेक्टली आपसे सालाना बेसिस पे चार्ज किया जाएगा, जिसे हम बोलते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। तो जब आप डेबिट कार्ड को 1 साल यूज़ कर लेंगे उसके बाद आपके अकाउंट से 295 रुपये कट होंगे। और अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में B3 सिल्वर अकाउंट को चूज़ करते हैं, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में ऑनलाइन डिजिटल सेविंग अकाउंट को ओपन करते हैं, तो इसमें आपको वीजा क्लासिक डेबिट कार्ड दिया जाता है जिसका इश्यूएंस चार्जेस और AMC चार्जेस यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस दोनों लगेंगे। इश्यूएंस चार्जेस आपको 300 देने होंगे, साथ ही साथ एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस वो भी आपको 300 चार्ज देना पड़ेगा। तो इश्यूएंस चार्जेस पहले ही आपके अकाउंट से डेबिट कर लिया जाएगा, और जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होता है वो 1 साल बाद जब आप डेबिट कार्ड को यूज़ करेंगे तब आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेबिट कर लिया जाएगा। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में अगर आप ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो अच्छी बात यह है कि इसमें आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, वर्चुअल डेबिट कार्ड से भी सारे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं ऑनलाइन, जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, UPI वगैरह, कहीं पे भी पैसे ट्रांसफ़र करना हो। बैंक ऑफ इंडिया बैंक में आपको कोई भी वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे डायरेक्टली आपको फिजिकल डेबिट कार्ड ही सेंड किया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं पासबुक, चेकबुक और डेबिट कार्ड के बारे में। तो बैंक ऑफ इंडिया बैंक में आपको पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में बात करें तो इसमें आपको पासबुक इश्यूएंस हो जाता है जैसे आप सेविंग अकाउंट को ओपन करते हैं, वैसे ही जैसे आपका फुल KYC कंप्लीट होगा आपका पासबुक इशू हो जाएगा, डेबिट कार्ड आपका इशू हो जाएगा। अगर आप मंगाना चाहते हैं डेबिट कार्ड भी मंगा सकते हैं, चेकबुक लेना चाहते हैं तो आपको अलग से रिक्वेस्ट करके चेकबुक ऑर्डर करना होगा। तो दोस्तों अब बात आता है कि हमें कौन से बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहिए ऑनलाइन। तो यहाँ पे मुझे दोनों की सर्विसेज एक जैसा ही लगा, ज़्यादा कोई डिफरेंस मुझे देखने को नहीं मिला। हालांकि पहले बैंक ऑफ इंडिया बैंक में सेविंग अकाउंट ऑनलाइन ओपनिंग का फैसिलिटी नहीं था, तो अब वो आ चुका है तो काफ़ी बेस्ट हो गया। तो अगर इंटरेस्ट रेट के मामले में देखें तो दोनों में सेम है। डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक के मामले में देखें तो आपको यहाँ पे चेकबुक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है बैंक ऑफ इंडिया बैंक में, डेबिट कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है,
चार्जेस डेबिट कार्ड का देखें तो लगभग दोनों में सेम है, बस थोड़े से बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में सर्विसेज अच्छी है और बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है। अगर आपको ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो दोनों में से जो भी आपका नियरेस्ट में बैंक होगा उसको आप चूज करके, एड्रेस चूज करके अकाउंट ओपन करिएगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा। सर्विसेज में और जो इंटरेस्ट रेट वगैरह है उसमें कोई भी ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, तो जो भी आपके नियरेस्ट में बैंक हो वो वाला आप चूज़ करके अकाउंट, उसमें आप अकाउंट ओपन करिएगा। अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो जो भी आपके नियरेस्ट में ब्रांच शो कर रहा है, अगर बैंक ऑफ इंडिया बैंक का नियरेस्ट ब्रांच शो कर रहा है तो उसको आप चूज़ कर लीजिएगा। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक नियरेस्ट शो कर रहा है तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक को भी चूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सर्विसेज वगैरह गवर्नमेंट बैंक है तो थोड़े से सर्विसेज वगैरह में यहाँ पे डिले देखने को मिलता है, बट यहाँ पे सर्विसेज ज़रूर हमें देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों मैंने अपना ओपिनियन आपको शेयर कर दिया है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।